एक्सप्लेन वाई, कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट, टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरली सेटल टू द मीन टेम्परेचर. फर्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक का टेम्परेचर है T1 और एक का टेम्परेचर है T2, अगर इनको एक साथ कॉन्टैक्ट में, थर्मल कॉन्टैक्ट में बनाया जाए, तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है वो जरूरी नहीं कि इनका एवरेज हो, मतलब T1 प्लस T2 बाई 2 हो, मिड टेम्परेचर हो, मीन टेम्परेचर हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं. और ये सही है, इसलिए सही है, जैसे कि मान लिया आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मान लिया 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 5 लीटर पानी भरा हुआ था उसमें 80 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे ही मान लेते हैं, और उसमें आपने एक गिलास पानी डाला 20 डिग्री सेल्सियस का, तो आपको क्या लगता है इसका जो टेम्परेचर होगा, क्या इनका सम का मिड मतलब 50 डिग्री सेल्सियस हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कितना होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो मिक्सिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अमाउंट कितना है. अब 80 डिग्री सेल्सियस वाले का आपने 5 लीटर लिया है, और 20 डिग्री सेल्सियस का आपने 250 ml लिया है, तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर रहेगा वो 80 के काफ़ी करीब रहेगा. ये एक गिलास पानी अगर आप इसमें डालोगे तो कितना कम कम कर देगा ये टेम्परेचर, 80 से बहुत ज़्यादा 75 हो जाएगा बस, ठीक. तो ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनका टेम्परेचर का मिड पॉइंट क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों की अपनी अपनी हीट कैपेसिटी क्या है. इसका M1 into S1 क्या वैल्यू ले रहा है और इसका M2 into S2 क्या वैल्यू ले रहा है. सिर्फ मास से भी मतलब नहीं है, उनकी हीट कैपेसिटी से भी मतलब है. अगर आपने दोनों के मासेस जो थे वो इक्वल लिए बट हीट कैपेसिटी अगर अलग अलग थी तो मिड पॉइंट का टेम्परेचर नहीं मिलेगा. मिड पॉइंट का टेम्परेचर सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलता है, वो कंडीशन ये होती है कि पहले सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी M1 into S1, S1 जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, जब मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जाता है हीट कैपेसिटी. जब पहले सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी और दूसरे सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी अगर बराबर हो जाए, M1 S1 इज इक्वल टू M2 S2, जब ये दोनों बराबर हो जाए तब आप कह सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहेगा वो दोनों टेम्परेचर्स के सम का हाफ रहेगा. क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, द कूलेंट इन ए केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट, किसी भी प्लांट में जो कूलेंट की तरह काम करता है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है. उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कूलेंट का मतलब क्या है, दैट इज़ द लिक्विड यूज टू प्रिवेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट. ठीक, ठंडा करने के लिए जो कूलेंट का काम किया जाता है, शुड हैव ए हाई स्पेसिफिक हीट, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है. अगर वो कूलेंट की तरह काम कर रहा है तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हाई होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके. अगर कूलेंट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई नहीं हुई तो वो थोड़ी सी हीट निकालेगा और बहुत ज़्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, और फिर उसके बाद वो हीट एक्सट्रैक्ट करने में असमर्थ हो जाएगा. ठीक है, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए. तो कूलेंट के लिए पानी जो है वो बेस्ट है, ठीक है, चीप एंड बेस्ट, हर जगह अवेलेबल है. इसलिए कई जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में जो होता है वो पानी वो बनाए जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कोई रिवर स्ट्रीम या कोई कोई चैनल मूव कोई चैनल फ्लो कर रहा हो, ताकि उससे वो एम्पल अमाउंट में वो वाटर ले सकते हैं जो कि कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है. क्लियर, तो कूलेंट की तरह अगर आपको किसी चीज़ को यूज़ करना है तो पानी जो है वो बेस्ट है, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी जो है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको गर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपको खर्च करनी पड़ती है. इसका रिवर्स भी ट्रू है, गर्म पानी अगर ठंडा हो रहा होता है तो बहुत सारी हीट वो दे भी देता है. ठीक है, इसलिए कई बार ठंड में अगर कुछ सिकाई वगैरह करनी हो तो हम पानी की बोतल, गर्म पानी की बोतल का यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. और इसका एक और फ़ायदा होता है कि अगर किसी टाउन के आसपास अगर कोई बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है तो उस टाउन का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि पानी जो है वो रिजर्वायर सोर्स और सिंक की तरह बिहेव करता है. जब काफ़ी ठंड हो रही होती है तो पानी बहुत सारी हीट जो है वो दे देता है एटमॉस्फेयर को, क्योंकि अपने अंदर वो बहुत सारी हीट स्टोर करके रख सकता है, तो एटमॉस्फेयर मॉडरेट बना रहता है. और अगर गर्मी हो रही होती है तो पानी बहुत सारी हीट एब्जॉर्व कर लेता है, तो अभी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या बना होता है, मॉडरेट बना होता है. ये पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है ऑप्शन
पार्ट फोर्थ में कह रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ ए हार्बर टाउन, हार्बर टाउन मतलब समुद्र के किनारे वाला कोई टाउन जो होगा, इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ टाउन इन ए डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। सेम लैटिट्यूड पर अगर आपने कोई डेजर्ट का टाउन चूज किया है तो वहां पर गर्म भी बहुत ज्यादा होता है और ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं। जबकि हार्बर टाउन अगर कोई है, कोई भी टाउन है जो कि सी कोस्ट के करीब है, तो उसका जो क्लाइमेट रहेगा वो मॉडरेट रहता है, टेम्परेट रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। डी पार्ट, सी पार्ट में कह रहे हैं कि एयर प्रेशर जो है कार टायर का वो ड्राइविंग के दौरान इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, पहिया जब घूम रहा होता है, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, हीट अप होना शुरू हो जाता है। ठीक, हीट अप क्यों हो जाता है? तो एक हिस्टेरेसिस कर्व हमने पढ़ा था, जो कि था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिसिटी के चैप्टर में हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा था हमने। उसमें यह होता है कि किसी भी रबर को अगर आप कंप्रेस करो और फिर रिलीज करो, फिर कंप्रेस करो फिर रिलीज करो, तो उसके तो वो हीट अप होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी लॉस होना शुरू होता है। कंप्रेस करने में जितना वर्क हम करते हैं, तो जब वो इस रिलीज होती है तो वो इतना वर्क हमें वापस नहीं देती है, कम वर्क वापस देती है। तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। और ये अगर रिपीटेड साइकिल अगर हम चलाएं एलोंगेशन कंप्रेशन एलोंगेशन कंप्रेशन की, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो रबर का स्पेसिमेन, रबर का वो टुकड़ा। तो सेम प्रोसेस होती है टायर्स में, जब टायर घूम रहे होते हैं तो जो कंप्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंप्रेशन जो आ रहा होता है वो तो सिर्फ छोटे से हिस्से में आ रहा होता है जो कि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, और ये हिस्सा बार 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 चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से टायर गर्म होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप कभी दिल्ली से आगरा गए हो यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर नोटिस में, वहाँ लिखते हैं साइड में कि आपके टायर्स की जो हवा है वो 25 पॉइंट से आप ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आप 100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाओगे, और अगर आपने ऑलरेडी 35 पॉइंट कर रखी है हवा, तो 35 से वो 45 से 55 हो जाएगी और टायर फट जाएगा। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि हवा आप कितनी रखो, 25 पॉइंट। आपको लगेगा कि टायर में हवा कम है, लेकिन जब वो गाड़ी दौड़ेगी तो वो एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अंदर हीट अप होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और वो अंदर का प्रेशर 35 पॉइंट वो अपने आप ही पहुंच जाएगा। क्लियर? तो ड्राइविंग में एयर प्रेशर कार के अंदर बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में यमुना एक्सप्रेस वे पर कई सारे एक्सीडेंट हुए थे, और वो मेनली जो एक्सीडेंट हुए थे वो टायर फटने की वजह से हुए थे।